दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं वड़ा पाव बनाने वाला हूँ। इसका चटनी मैं बना लिया हूँ, आप देखिए। इसमें लहसुन, कच्चा मिर्ची और धनिया पत्ता डाला हूँ और उसको मैं पेस्ट बना लिया हूँ और मैं वड़ा पाव का लिए चटनी बनाया हूँ। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको पतला करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया हूँ और उसमें केरी पत्ता थोड़ा तोड़ के डाला हूँ। इसको मैं अभी मसाला बनाने वाला हूँ। जो आलू का मसाला होता है वो बनाने वाला हूँ वड़ा बनाने के लिए, वड़ा पाव का। इसमें सरसों, जीरा छोक दिया हूँ और केरी पत्ता, और अभी हल्दी पाउडर और नमक और आधा लहसुन का थोड़ा पेस्ट इसमें डालेंगे। थोड़ा ही तेल डालने का, ज़्यादा तेल नहीं। हल्दी पाउडर डाल दिया हूँ, अब इसमें नमक भी डालेंगे। मैं आलू को पहले उबाल के रखा हूँ, उबाल के रख के उसको तोड़ लिया हूँ। नमक, इसमें हल्का सा मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। मिर्ची काट के भी मैं डाला हूँ, आप भी डालिएगा। ये मैं बड़ा बनाने वाला हूँ, जो बड़ा पाव महाराष्ट्र में बहुत चलता है, बड़ा पाव खाता है उसमें। अभी तो सब जगह में मिलता है क्योंकि महाराष्ट्र का ये फेमस चीज़ है, महाराष्ट्र बम्बई। अभी मैं इसमें आधा लहसुन का थोड़ा पेस्ट दिया हूँ। सबको नहीं डालते लेकिन मैं डाला हूँ, आप डाल के देखिएगा। आधा लहसुन का पेस्ट से थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। जो आलू में उबाल के रखा वो डाल देंगे इसमें मसाला, और इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। और आप ध्यान रखिएगा, जब आलू उबलता है ना आपको तुरंत पानी से निकाल लेने का, नहीं तो वो चिकट चिकट हो जाएगा। ज़्यादा चिकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ा अच्छा नहीं बनेगा। अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई करेंगे, कम से कम 4-5 मिनट सब मसाला देके। हमारा बम्बई में ये बहुत फेमस है। इसको आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, 5 रुपये पे भी मिल जाता है महाराष्ट्र में। बहुत फेमस है बड़ा पाव, अभी तो सब जगह में मिलता है। आप घर पे भी बना के खा सकती है, खा सकता है। देखिए मैं बड़ा पाव बड़ा बना के आपको दिखा रहा हूँ, जो कैसे बड़ा बनाया जाता है। और उसका साथ धनिया का चटनी आप पाव में लगा के फिर बड़ा डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मेरा मसाला ऐसा बन चुका है। अब इसको ठंडा होने के बाद उसको आप गोल गोल कर लीजिएगा और फिर बेसन में डुबा के, जिसे हम भजिया तलते। देखिए मेरा मसाला रेडी है। इसमें थोड़ा उतारने का टाइम पे धनिया पत्ता डाल दीजिएगा। अब इसको ठंडा होने के बाद गोल गोल करके बेसन में, जैसे भजिया तलते, भजिया का जो थोड़ा पतला रखते हैं इसका थोड़ा गाढ़ा रखिएगा। मैं उतना आपको दिखाएंगे नहीं बेसन का घोल बनाने के, लेकिन तलते में आपको दिखा देंगे कैसे तला जाता है। अब भी वैसे कर लीजिएगा। देखिए ऐसे बनना चाहिए पूरा, एकदम एकदम एक चिकट चिकट होता है ना पानी में, ज़्यादा डूबा रहता है वैसा नहीं। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, ये देखिए मैं अभी बड़ा छोड़ रहा हूँ। तो भजिया जैसे तलते उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए, नहीं तो बड़ा पे बेसन लगा नहीं रहेगा। देखिए ऐसे ही करके आपको बनाने का है। और उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा, एकदम एक चुटकी। देखिए मैं ऐसे ही गोल गोल बना के रखा हूँ। मैं आपको बड़ा बनाना दिखा दूँ, और पाव तो सबको पता होता है पाव कैसे होता है। अब उसका अंदर डाल के धनिया का चटनी डाल के आप बड़ा डाल के खा सकते हैं। आप घर में बनाइए, एकदम सिंपल है, कोई खर्चा नहीं है, घर में इतना सामान सबका रहता ही है। उसको आप ढालने के बाद तुरंत मत पलटी करिएगा, 1-2 सेकंड बाद ही पलटी मारिएगा। इसलिए मैं रुका हुआ था और अभी उसको पलटी मारा हूँ। देखिए मेरा बड़ा बन के तैयार है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा, और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। बाय दोस्तों।